अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है अपना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पहला जो एक्सरसाइज है वो इंट्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन को रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स यानी वेरिएबल की वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 था, फिर प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने की मेथड। तो पहली मेथड थी फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लो यहाँ पे माइनस 12 है, तो प्लस 35 के हमको फैक्टर गिराना था, प्लस 35 के ऐसे फैक्टर गिराना था जिनका एडिशन माइनस 12 आना चाहिए। तो 7 5 12 7 5 35 7 5 35 होता है, 7 5 35 7 5 कितना होता है 35 होता है, और 7 5 कितना होगा 12 होगा। तो ये माइनस है, तो माइनस 7 और माइनस 5, तो इस तरह से आपके एक्स माइनस 7 और एक्स माइनस 5 ऐसे दो फैक्टर गिरते थे, एक्स माइनस 7 और एक्स माइनस 5। फिर एक्स माइनस 7 के साथ में भी 0 आता था, और में एक्स माइनस 5 के साथ में भी 0 आता था। एक्स की वैल्यू 7 आती थी, एक्स की वैल्यू 7 आती थी, एंड एक्स की वैल्यू क्या आती थी, 5 आती थी। ये आपके सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन यानी वेरिएबल की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी मतलब ये एक्स और एक्स की वैल्यू यहाँ डालू तो इक्वल टू में 0 आएगा, RHS मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी। तो अभी यही एक्स की वैल्यू, मतलब जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन मुझे फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है, मुझे निकालना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। विच मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो ये जो सॉल्यूशन है इसके एक्स इक्वल टू 7 और एक्स इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो पहली मेथड है, पहला रूल है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, कि इसका जो वेरिएबल है वो सिंगल होना चाहिए। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0 जो है, तो जो एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। अब इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि 4x का स्क्वायर, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ, 4x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो इसके मुझे फैक्टर गिराना है, इसको इसके मुझे सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो पहला पहली स्टेप है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो इसके अगर सॉल्यूशन को सॉल्व करना है तो आपको पहली स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, बोला मैंने इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपको स्टेप वाइज बताता हूँ मैं, स्टेप नंबर फर्स्ट कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, वो 1 होना चाहिए पहली स्टेप। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है क्या, नहीं है। तो 1 करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बोथ साइड, कैसे डिवाइड करोगे, डिवाइड बोथ साइड कैसे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, इसको भी 4 से डिवाइड होगा, इसको भी 4 से डिवाइड होगा, सबको 4 से डिवाइड होगा, मतलब इसके डिवाइड में भी 4 आएगा, इसके डिवाइड में भी 4 आएगा, इसके डिवाइड में 4 आएगा, 0 डिवाइड में 4 आएगा, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 6 क्या आ गए, 3 4 क्या आ गए, 2 ये एक्स हो जाएगा, और माइनस 3/4 होगा, 0 से डिवाइड करोगे तो ये आपका अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म आया। अब मुझे इसको कंप्लीटिंग मेथड से बनाना है, तो कंप्लीटिंग मेथड से बनाने के लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्या कंसिडर करना पड़ेगा, इसकी जगह k कॉन्स्टेंट। अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं, कंप्लीट स्क्वायर किसे बोलते हैं, जिसकी x प्लस a, ये है कंप्लीट स्क्वायर, ये क्या चीज है, कंप्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर है, x का स्क्वायर पाई से ax प्लस a इस तरह से होता है ना, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर और इन दोनों का डबल, x और a का डबल, x और a का डबल यहाँ होता है, तो ये किस, देखो ये x का स्क्वायर किसी का स्क्वायर नहीं है,
तो हमको नहीं पता, हम बोलते यहाँ पे k डालेंगे, मतलब x स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 x प्लस k डालेंगे। इसके जगह k डालेंगे तो ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो कंप्लीट स्क्वायर क्या होगा हमको नहीं पता, तो हम मानेंगे x प्लस a। ये आपको ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको कंसीडर करना पड़ेगा। स्टेप नंबर सेकंड, ये स्टेप नंबर सेकंड है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा या आपको क्या कर सकते हो, कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ स्टेप नंबर टू, आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि बस इतने टर्म को, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर और वेरिएबल वाली टर्म, बस इसको पकड़ना है और इस कांस्टेंट की जगह k लिखना है, तब जाके ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कंप्लीट स्क्वायर किसका, एक्स प्लस से पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, तो उसके बाद में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब यहाँ से k की वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर k, मतलब k की वैल्यू निकालना है, क्या रहेगी जिससे कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो x का स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 x प्लस k, इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो x का स्क्वायर ट्वाइस एक्स ए प्लस a का स्क्वायर होगा। अब बताओ मुझे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, ट्वाइस है, इधर x का कोएफिशिएंट कौन है, 3 बाई 2, यहाँ कॉन्स्टेंट कौन है, a, यहाँ कॉन्स्टेंट कौन है, k। तो आपको a और k की वैल्यू निकालना है, a और k की वैल्यू निकालना। तो बताओ कंपेयर मैं क्या करूँ, कंपेयर मुझे एक्चुअली के की वैल्यू निकालना है, एक्चुअली किसके वैल्यू निकालना है, के की, ताकि ये कंप्लीट स्कोर बन जाए, ये भी कंप्लीट स्कोर होगा और आ जाएगा। देखना आपको थोड़ा पहला क्वेश्चन पिछले दिन से तकलीफ जाएगी, आपको आ जाएगा। तो कंपेयर करना है, स्टेप नंबर थर्ड, ये हो गया होल स्कोर का फॉर्मूला है। स्टेप नंबर थर्ड क्या करना है आपको, कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो आपको पता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटने वाला है, इसका तो काम नहीं है, तो आपको बस x का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है और कांस्टेंट को कंपेयर करना है। तो कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड क्या बोला मैंने, कांस्टेंट, बोथ सेम। तो बताओ इधर x का कोएफिशिएंट कौन है, ट्वाइस है, x का कोएफिशिएंट कौन है, ट्वाइस है, और इधर x का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस 3 बाई 2। तो x का कोएफिशिएंट ट्वाइस है और x, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस 3 बाई 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। एंड दूसरा कौन सा बताओ, एंड दूसरा कौन सा बताओ, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, के, अरे होगा कि नहीं होगा, के। अब बताओ यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, ए इक्वल टू माइनस कितना होगा, 3 बाई 4, अरे माइनस 3 बाई 4 होगा, और इसको पुट कर दो इसमें, एंड के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बताओ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3 बाई 4 उसका स्क्वायर हो जाएगा, ए की जगह पुट करेंगे। यहाँ से के की, आपको के की वैल्यू की तरफ फोकस करना है, आपको एक्चुअली किसकी वैल्यू की तरफ फोकस करना है, k की वैल्यू, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो ये 9 बाय 16 ये दिख रहा है आपको इक्वेशन, यहाँ डालेंगे ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। गणित के हिसाब से देखो x स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 x प्लस k के जगह कितना डालेंगे, 9 बाय 16, ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर। गारंटी के हिसाब से किसका कंप्लीट स्क्वायर बना, पता है क्या, माइनस और प्लस है तो माइनस का होल स्क्वायर। तो a का काम x कर देगा और b का काम 9 किसका, 3 का, 16 किसका, 4 का, कंप्लीट स्क्वायर करके देखो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा गारंटी के साथ में। देखो a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी होता है सर, और b का स्क्वायर बोला 3 बाय 4 का स्क्वायर। तो देखो x का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल, 3 बाय 2 एक्स, देखो 3 बाय 2 एक्स, और 3 किसका स्क्वायर, 9 का, और 4 कितना, 16 का, देखो ये आया। तो किसका कंप्लीट स्क्वायर पहचानना है आपको, तो पहले को देखो लास्ट को देखो, ये x, x का 9, 3 का, 16, 4 का, और कंप्लीट स्क्वायर, मतलब आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है, k की वैल्यू मतलब आपको इधर k एडजस्ट करना है जिससे कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है आपको, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू निकलेगी, और कॉन्स्टेंट का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू निकलेगी। तो k की वैल्यू निकालने के लिए ये पता करना पड़ेगा, तो ये पता निकल गया है, तो ये की वैल्यू यहाँ डाला, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये जो k की वैल्यू निकलेगी आपको, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो 9 बाय 16 जो आया k की वैल्यू, इस k की वैल्यू को आपको इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ऐड करना है और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने बोला ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये सबसे स्टेप नंबर कौन सी, लास्ट स्टेप नंबर कौन सी, 4। तो आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट,
क्या सब्सट्रैक्ट करना है बोलो, एड एन क्या सब्सट्रैक्ट करना है, के इक्वल टू 9/16, तो के इक्वल टू कितना है 9/16 इन इक्वेशन नंबर कौन सा फर्स्ट, ये जो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला उसमें एड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो कैसे करो सब्सट्रैक्ट, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 3/2x इसके बाजू में एड करना और उसी के बाजू में क्या करना सब्सट्रैक्ट करना, मतलब यहाँ पे आपको ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है और माइनस 3/4 एज इट इज उसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये आपका बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर, ये आपका बन गया कंप्लीट स्क्वायर। तो एक्स किसका, एक्स का माइनस प्लस है तो माइनस का बनेगा, नाइन किसका 3 का और 16 किसका 4 का, ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो आपका आंसर निकल जाएगा। तो बताओ यहाँ बेस सेम करने की कोशिश करो, ये 16 है उसको 16 कर सकते हो, अरे 16 है तो 16 कर सकते हो, तो कैसे कर सकता हूँ 9/16 इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 3 12 और 4 4 16 नहीं समझा, ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से, तो x माइनस 3/4 ये कंप्लीट स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेस कैसा हो गया सेम एक बार, तो 12 और 9 कितना हो गया 21 होता है कि नहीं होता इक्वल टू 0, ये माइनस वाले को उधर भगाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 3/4 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। मुझे x की वैल्यू निकालना है तो गारंटी के साथ में के लिए तो x माइनस 3/4 ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट में आएगा, बताइए क्या प्लस माइनस रूट में आता है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट में आता है, जब स्क्वायर हटता है स्क्वायर जब हटता है तो प्लस माइनस रूट में आता है। तो x की वैल्यू निकालना है कि माइनस 3/4 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3/4 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो 21 रहेगा और 16 किसका 4, दोनों का बेस कैसा है सेम है तो 3 प्लस माइनस रूट 21/4। ये आपको x की दो वैल्यू निकल गई, कौन सी कौन सी निकली बताया x इक्वल टू 3 प्लस रूट 21/4 एंड x इक्वल टू 3 माइनस रूट 21/4, ये आपके दो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे x के दो वैल्यू। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने निकाल के दिया था 7 और 5 x माइनस 7 और x माइनस 5 x की वैल्यू 7 x की वैल्यू 5 दो वैल्यू निकली थी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी मैं इसी मेथड से सॉल्व करूंगा तो गारंटी की सही आंसर मिलेगा। लेकिन पहला रूल आपको याद रखना है, मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ, पहला रूल क्या याद रखना है आपको कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, 1 करने के लिए आपको 4 है तो 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करने के बाद में आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन में फर्स्ट दोगे। तो ये अभी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या ऐड करेंगे क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे हमको नहीं पता, क्या ऐड करेंगे क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो कोई ना कोई कांस्टेंट के हमको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो के की वैल्यू निकालना है मेरे को यहाँ पे, कांस्टेंट जो हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं वो क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं वो निकालना है हमको। तो वो निकालने के लिए आपको इसके जगह के कंसिडर करना है और ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस ये पूरे का होल स्क्वायर, मतलब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड किया तो k ऐड किए तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा x प्लस ये पूरे का होल स्क्वायर, ये आपको कंसिडर करना है। कंसिडर करने के बाद में क्या होगा यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉन्स्टेंट का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे, x का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे, तो x का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो x को छोड़ के क्या बचा 2a बचा, x को छोड़ के क्या बचा 2a, और सबसे बड़ी गलती x को छोड़ के माइनस 2a बचा था, सॉरी x को छोड़ के मैंने यहाँ फॉर्मूला गलत बता दिया, प्लस होल स्क्वायर है तो प्लस आएगा, प्लस के होल स्क्वायर में प्लस प्लस आता है पता है ना। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2 से है, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 3/2, तो x का कोएफिशिएंट 2 से है, x का कोएफिशिएंट माइनस 3/2, यहाँ पे a की वैल्यू निकल गई माइनस 3/4, तो माइनस 3/4 कहाँ पुट करना है तो k की वैल्यू a स्क्वायर है, देखो k की वैल्यू a स्क्वायर है, इस a के जगह माइनस 3/4 डालोगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये 9/16 जो निकला इसी को आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है किसमें तो अपना इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट आया था उसमें, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। अच्छा दो चार क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और बाजू में इसके बाजू में सब्सट्रैक्ट करना तो ये बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस का कंप्लीट स्क्वायर, दोनों प्लस रहेंगे तो प्लस का कंप्लीट स्क्वायर। तो पहले को देखो लास्ट को देखो, ये x x का 9 3 का 4 16 का 16 4 का कंप्लीट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ 16 है तो यहाँ 16 कर सकते हैं क्या, तो हम कर सकते हैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके 4 3 12 4 4 16 ताकि जल्दी बनेगा, बेस सेम हो जाएगा 12 और 9 21 हो जाएगा, माइनस उधर गया प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में प्लस माइनस आएगा, तो ये माइनस 3/4 उधर जाएगा तो प्लस 3/4,
रूट 21 का 16 चार का, दोनों का बेस सेम है, प्लस माइनस का आंसर है। तो ऐसे और एक एग्जांपल देखेंगे प्रैक्टिस सेट में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो लिखो इसको, यहाँ पे दिखाना होगा आप लोगों को अच्छे से, ये प्लस माइनस आया था, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला आपको लिखना है, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस सेट 2.3, तो प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.3, तो प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्व द फॉलोइंग, आपको ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसी को और एक नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग भी आ सकता है, इसकी जगह और एक नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो जब कंप्लीटिंग पूछेगा तो कंप्लीट से ही बनाना, जब फैक्टराइजेशन से बोलेगा तो फैक्टराइजेशन से ही बनाना, और जब कंप्लीट से बोलेगा तो कंप्लीट से ही बनाना। तो जैसे कि इसका पहला एग्जांपल आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर आप फैक्टराइजेशन से बनाओगे तो माइनस 20 के फैक्टर कितना होगा, माइनस 20 के फैक्टर 5 4 20, 5 में से 4 गया तो 1 बचता है, ये प्लस है तो बड़ा प्लस छोटा, तो x प्लस 5 x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 5 हो जाएगी, x की वैल्यू प्लस 4, यही आंसर, ये फैक्टराइजेशन से हुआ, यही आंसर कैसे आना चाहिए आपका, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आना चाहिए। तो चलो देखते आ जाएगा। तो सबसे पहला रूल कि पहले इक्वेशन जैसा का वैसा लिखेंगे, ओके। अब बताओ, एक बात बताओ, इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्या 1 है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इसे हम इक्वेशन नंबर क्या देंगे, और उसके बाद में कंसीडर करना बोला था सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में क्या, इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, इस टर्म को कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे अपन इस कॉन्स्टेंट की जगह k एडजस्ट करेंगे, ये तब जाके कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, तब जाके कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो किसका कंप्लीट स्क्वायर होगा, ये जनरल में है तो जनरल का कंप्लीट स्क्वायर होगा, x प्लस ये पूरे का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे k और l की वैल्यू निकालना है, तो जब भी जैसा सेम x का स्क्वायर प्लस x प्लस k, यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, x का स्क्वायर ट्वाइस ए बी, मतलब ट्वाइस एक्स ए, और प्लस क्या होगा, a का स्क्वायर होगा। फिर इसमें कंपेयर करना बोला था x का कोएफिशिएंट और कॉन्स्टेंट का कोएफिशिएंट, ये तो कंपेयर करने की जरूरत है क्योंकि दोनों कट जाते वैसे, तो मैंने बोला कंपेयर करने का, क्या कंपेयर करने का, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोला मैंने, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, दोनों तरफ की, तो वी गेट, तो हमको क्या मिल जाएगा बताया क्या, एक्स को छोड़ के, तो एक्स को छोड़ेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस, और यहाँ पे एक्स को छोड़ के क्या बचा, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ट्वाइस, मतलब x को छोड़ के क्या बचा, तो ट्वाइस से बचा, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, एंड k की बात क्या, k के रूप में लिखेंगे तो k किसके बराबर होगा, a स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, एंड k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर। तो ये 1/4 को आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में LHS में ऐड करना और सब्ट्रैक्ट, तो क्या बोला कि ऐड एंड क्या, सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट क्या, k इक्वल टू 1/4 इन LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऐड भी करना है और सब्सट्रैक्ट भी करना है, तो फिर वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस x, इसके बाजू में ऐड किया 1/4, और इसी के बाजू में क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, और बेचारा माइनस 20 जैसा का वैसा, पहले का माइनस 20 जैसा का वैसा होगा, और इक्वल टू क्या बचेगा, 0, ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर। तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बना, तो प्लस का कंप्लीट स्क्वायर बना, क्योंकि दोनों प्लस है, तो x स्क्वायर किसका, बोलो x का,
एक्स स्क्वायर किसका रहेगा, तो एक्स का रहेगा, और वन वन किसका, वन का, और फोर किसका, दो का, तो वन बाय फोर कंप्लीट स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करो, तो फोर टू जा एट, एटी हो जाएगा, ट्वेंटी फोर जा, ये माइनस एटी होगा, माइनस वन माइनस एटी डिवाइड बाई फोर इक्वल टू जीरो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ट्वेंटी फोर जा एटी, एटी और माइनस वन कितना होगा, माइनस एटी वन, तो एक्स प्लस वन बाय टू कंप्लीट स्क्वायर, और ये माइनस एटी वन बाय फोर इक्वल टू जीरो, ये उधर जाएगा, तो एक्स प्लस वन बाय टू कंप्लीट स्क्वायर ये उधर जाएगा, तो क्या होगा, एटी वन बाय फोर, फिर ये इसको हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, मतलब तो क्या होगा, x प्लस वन बाय टू इक्वल टू प्लस माइनस रूट में एटी वन बाय फोर, फिर x की वैल्यू निकालना है, ये प्लस वन बाय टू उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस वन बाय टू, तो माइनस वन बाय टू प्लस माइनस एटी वन किसका स्क्वायर रूट, नाइन का, और चार किसका, दो, दोनों का बेस कैसा है, तो एक बार माइनस वन प्लस माइनस नाइन बाय टू, तो एक बार प्लस वाला नाइन लिखेंगे, तो x की वैल्यू एक बार माइनस वन प्लस नाइन डिवाइडेड बाय टू, और में x की वैल्यू माइनस वन माइनस नाइन डिवाइडेड बाय टू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये नौ में से एक गया आठ कर दो, और में x की वैल्यू माइनस दस बाय टू, तो टू फोर जा एट, x की वैल्यू फोर, और में x की वैल्यू माइनस पांच, जब ये आता है कि नहीं, पांच चौबीस, देखिए पांच चौबीस हुआ था माइनस प्लस फाइव एक्स, एस नहीं क्या, माइनस ट्वेंटी के फैक्टर फाइव फोर जा, फिर प्लस वाला है माइनस वाला, एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फोर, तो प्लस फाइव उधर गया तो माइनस फाइव, एक्स ट्वेल्व माइनस फाइव और एक्स ट्वेल्व फोर निकली थी, तो ये आपके सॉल्यूशन निकल गए, समझ में आ रहा है क्या, तो एक्स इक्वल टू फोर एंड एक्स इक्वल टू माइनस फाइव आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो आपको ऐसे थ्योरी में आंसर लिखना है, द रिक्वायर्ड द एक्स इक्वल टू कितना है, फोर एंड एक्स इक्वल टू माइनस फोर आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हाँ माइनस फाइव आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत क्या बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है कि अगर सिंगल कोफिशिएंट है तो उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, फिर ये 20 को छोड़ के किया एडजस्ट करना, और ये होल स्क्वायर लेना है, होल स्क्वायर को फार्मूला लगाना है, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को कंपेयर करना है, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू निकलेगी, कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू निकलेगी, तो के की वैल्यू ए के फॉर्म में निकलेगी, तो ए की वैल्यू वहां डालना है, आपको के की वैल्यू 1 बाय 4 निकलेगी, फिर इसको एलएचएस में इक्वेशन फर्स्ट के एलएचएस में ऐड भी करना है, सब्सट्रैक्ट भी करना है, तो जैसे ऐड करोगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, एक्स प्लस 1 बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर, अगर प्लस प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, पर इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व किया तो माइनस 81 बाय 4 है, माइनस 81 बाय 4 उतर गया तो प्लस 81 बाय 4 हुआ, तो जिसको रटेगा तो प्लस माइनस रूट में 81 बाय 4 रहेगा, तो 81 किसका, तो 9 का, 4 किसका, तो 2 का, ये प्लस उतर गया तो माइनस, फिर हमेशा गारंटी है कि हर बार बेस सेम आएगा, तो बेस के साथ लगेगा, एक बार लिखेंगे प्लस माइनस के टर्म ऊपर भेजेंगे, तो एक बार प्लस वाला लिखोगे एक बार माइनस वाला लिखोगे, और इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की दो वैल्यू निकल जाएंगी, वो आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे, ओके चलो लिख लो इसको अच्छे से। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, अभी इसी प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन में समझ में नहीं है तो अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, दोबारा बना के देखो, सेकंड टाइम बना के देखो, थ्री टाइम्स बना के देखो, फोर टाइम्स बना के देखो, मैक्सिमम टाइम उसको बिना देखे बनाने की कोशिश करो, और एक बार जहां आपको कॉन्सेप्ट समझ गया कैसे बनाना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपसे 100% क्वेश्चन बनेंगे, और उतनी मेथड हार्ड नहीं है, बस पहले क्या रूल बताने हैं आपको कि सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्या 1 है, हाँ तो हाँ है, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, फिर नाउ उसके बाद में क्या करना होगा, हमने कंसिडर करना, क्या कंसिडर करना, एक्स स्क्वायर प्लस 26, बस कॉन्स्टेंट की जगह के लिखना है प्लस के, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, किसका, x प्लस a पूरे का होल स्क्वायर, फिर इसमें वही कांसेप्ट हर बार के तरह x स्क्वायर 26 प्लस k, यहां होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर 26 a प्लस a का स्क्वायर, फिर कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, तो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ क्या, x एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म,
कॉन्स्टेंट टर्म बोथ साइड दोनों तरफ की, तो वी गेट हमको क्या मिल जाएगा बोलो, x का कोफिशिएंट ट्वाइस है और इधर x का कोफिशिएंट ट्वाइस एंड k इक्वल क्या मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ठीक है, 2 1 जा 2 एंड k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 चलेगा। फिर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट बोला था मैंने, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट क्या, k इक्वल टू 1 इन LHS ऑफ इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x का स्क्वायर प्लस 2x इसके बाजू में के ऐड करना, मतलब मैंने ऐड करना और इसी के बाजू में 1 को क्या करना, सब्सट्रैक्ट और वो माइनस 5 एज इट इज लिखना। फिर थ्री टर्म कंप्लीट स्क्वायर बन जाती है, तो किसका कंप्लीट स्क्वायर, प्लस प्लस है तो प्लस का, तो x 1 का 1 किसका, तो 1 का कंप्लीट स्क्वायर और माइनस 1 और माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, तो x प्लस 1 कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस रूट में जाएगा। तो देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस में तो जाएगा तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 6 बाय प्लस माइनस रूट 6 देगा, ये प्लस में उतरेगा तो माइनस 1 रहे, तो x की वैल्यू एक बार क्या रहेगी, माइनस 1 प्लस रूट 6 रहेगी और में x की वैल्यू माइनस 1 माइनस रूट 6। ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे, कोई टेंशन मत लेना। तो देयरफॉर लिखना x इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 6 एंड x इक्वल टू कितना, माइनस 1 माइनस रूट 6, ये आपके क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको 100% आएगा। ऐसे दो चार एग्जांपल की प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बिल्कुल गलतियां नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी, गारंटी के साथ में। आप प्रॉपरली उसको सॉल्व करो, बिल्कुल अपने आप पे विश्वास रख के, दिल में विश्वास रख के उसको सॉल्व करो, 100% बनेगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रैक्टिस सेट का, मैक्सिमम क्वेश्चन फिर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा, ठीक है। होमवर्क के बेसिस पे आपको उसको बनाने के ट्राई बनाने की कोशिश करना है, ट्राई करना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो भी कोफिशिएंट वाला, एक्स का कोफिशिएंट बन नहीं रहेगा। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो 6 में बता रहा हूँ, 5x का स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 7 तो सॉल्यूशन सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना, 5x का स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 7। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर की टर्म, फिर x की टर्म, फिर कांस्टेंट। तो क्या करोगे उसके लिए, पहले 5x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0, फिर 5 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय कैसे, 5 से, टू वी गिव, तो 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो यहाँ x स्क्वायर बचे बचेगा, हमको x स्क्वायर का कोफिशिएंट सिंगल होना किसी की हालत में, और 4 को 5 से डिवाइड करोगे और 7 को भी 5 से डिवाइड करोगे, 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 5 देंगे, कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। और आफ्टर दैट इसके बाद में क्या करेंगे, तो वही कंसिडर करना, कंसिडर करेंगे, तो कंसिडर क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 4 बाय 5x प्लस k, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, बराबर। इसके जगह k कंसीडर करते हैं प्लस k, तो देयरफॉर आप इसको सॉल्व करोगे, x का स्क्वायर 4 बाय 5x प्लस k, यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x का स्क्वायर ट्वाइस एक्स ए प्लस ए का स्क्वायर होगा। फिर कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड क्या कांस्टेंट टर्म, ऐसा कुछ बताया था मैंने, कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, बोथ साइड वी गेट, उससे हमको क्या मिलेगा, एक्स का कोफिशिएंट ट्वाइस है, इधर एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4 बाय 5 है, माइनस 4 बाय 5 नेगेटिव 4 बाय 5 एंड यहां पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमेशा की तरह यूज करूंगी, तो देयरफॉर ये 2 2 जा, ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2 बाय 5 होगी,
एंड के की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू बाय फाइव उसका होल स्क्वायर, माइनस दो का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव फोर, फाइव का स्क्वायर 25। तो 4/25 इक्वेशन नंबर फर्स्ट के एलएचएस में ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट क्या, तो के इक्वल टू 4/25 इन एलएचएस ऑफ, एलएचएस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के एलएचएस में ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस दिख रहा है आपको, एक्स का स्क्वायर माइनस 4/5x, तो 4/5x के बाजू में ऐड करना 4/25 और उसी के बाजू में क्या करना सब्सट्रैक्ट करना, और ये माइनस 7/5 एज इट इज रहेगा और इक्वल टू 0। फिर ये बनेगा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर, इतनी टर्म क्या बन जाती है कॉम्प्लेक्स स्क्वायर बन जाती है, ये x माइनस प्लस से निकल तो माइनस का कॉम्प्लेक्स स्क्वायर बनेगा, तो माइनस 4 किसका 2 का 25 5 का कॉम्प्लेक्स स्क्वायर, जब भी प्लस प्लस था तो प्लस का कॉम्प्लेक्स स्क्वायर बना था, इस बार माइनस प्लस है तो माइनस का कॉम्प्लेक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस 4/25 यहाँ 25 है इसके अकाउंट में भी 25 हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है, बेस सेम कर सकते हैं हम लोग, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से 7 35 और 25 इक्वल टू 0, दोनों का बेस कैसा है ये x माइनस 2/5 कंप्लीट स्क्वायर 3549 हो जाएगा 39 होगा और 25 इक्वल टू 0, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, तो x माइनस 25 कंप्लीट स्क्वायर जाएगा ये 39/25 होगा, अब स्क्वायर हटेगा तो क्या में जाएगा प्लस माइनस रूट 5 रूट में जाएगा, प्लस माइनस रूट में 39/25, तो 39 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो x इक्वल टू माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 और प्लस माइनस जैसा का वैसा ये रूट 39 25 किसका 5 का, मैं हमेशा बोलता हूँ बेस सेम आता है, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 2 प्लस रूट 39 बाय प्लस माइनस रूट 39 बाय 5, तो एक बार कौन सा होगा प्लस वाला रूट 39 बाय 5 एंड और में x इक्वल टू 2 माइनस रूट 39 बाय 5, ये आपके रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, ओके चलो इसको लिख लो अच्छे से। तो ये आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, ये आपको खुद को बनाना है, एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू माइनस 3, ये आपको खुद को ट्राई करना है, ये भी और ये तीनों क्वेश्चन की आपको अच्छे से क्या करना है प्रैक्टिस करना है, और ये कौन सी मेथड से बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, कल से हम नया एक्सरसाइज चालू करेंगे।